अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक होंगे। मान्यवर, सुबह बहुत सारी चर्चा होती थी कि इसे किसी को सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। मान्यवर, पॉलिटिकल एजेंडा की बात करी तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? हम चुनाव में जाते हैं, हम बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र घोषित करती है और घोषणा पत्र को जनता के सामने रखती है, उसका प्रचार करती है, घोषणा के बिंदुओं को सारे देश की जनता के सामने सारे प्रत्याशी सारे पार्टी के लोग रखते हैं, इसके आधार पर एक जनमत की निर्मिति करते हैं और निर्मित हुआ और जनमत अपनी सरकार का चयन करता है। पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? सिर्फ अपने नेता के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? परिवार के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं मानता हूं पार्टी की विचारधारा और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए जो इस देश की जनता के अपेक्षाओं में से निर्मित होता है। चुनाव घोषणा पत्र क्या होते हैं? जो देश की जनता राजनीतिक दलों से अपेक्षा रखती है। राजनीतिक पार्टियां जब जनता के बीच में जाती हैं, उनके संगठन के लोग जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो बात सुनते हैं, इनकी संवेदना को सुनते हैं, वो अंततः गत्वा तो घोषणा पत्र के अंदर समाहित होती। वो चुनावी एजेंडा नहीं होता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, वो देश की जनता की जन भावनाओं का प्रतिबिंब होता है जिसको देश की जनता के स्वीकृत किया है। यहां यही हुआ है। माननीय 2014 और 2019 दोनों चुनाव के हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि 2019 में जब मैनिफेस्टो की घोषणा करी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको रखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। माननीय, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में क्या कहा था? हम हमारी पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो माइनॉरिटी तो मेरे मित्र जो विरोध कर रहे थे, उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है? क्योंकि आप मानते हैं कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है मान्यवर? मैं तो नहीं कर रहा, भेदभाव कौन कर रहा है? एक जगह पे तो खड़े होते, माइनॉरिटी को सिंगल आउट कर, अरे हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम साथ में भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, वो बिल हमारी वो घोषणा पत्र के अनुरूप है जिसको इस देश की 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी के मैंडेट के साथ अप्रूव किया। और सालों की मांग है, इसमें पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सदन लाखों करोड़ों लोग वहां से धकेल दिए गए,
कोई आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है, देश छोड़िए जनाब गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे, तब जाकर वो देश छोड़कर यहां शरण में आए। और इतने सालों से उनको ना मताधिकार है, ना उनको शादी का अधिकार है, ना उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, ना घर खरीदने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना स्वास्थ्य का अधिकार है। माननीय लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। और इसमें किसी का कोई अधिकार हम नहीं छीन रहे,